अलैकुम जी, हमारी कायनात की एपिसोड 6 के साथ आपकी खिदमत में उमैर आसिम और डॉक्टर सलमान हमीद हाज़िर हैं एक बार फिर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हमारी कायनात को इस तरह चलाते हैं कि कोई न्यू न्यूज़ एस्ट्रोनॉमी की जब आती है तो हम उसको ले लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं कि उसका साइंसी पस मंज़र क्या है। तो इस दफ़ा जो शोर मचा हुआ है पिछले चंद दिनों से, डॉक्टर साहब, वो सेगिटेरियस कॉन्स्टलेशन में एक नोवा हुआ और उस नोवा को बहुत सारे लोगों ने आंख से भी देखा, वो इतना ब्राइट हो गया और हम उसे इधर लाहौर से और बाकी जगहों से इमेज भी करते रहे हैं। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो सेगिटेरियस में नोवा हुआ है, ये क्या चीज़ है और इसकी क्या तफसीलात हैं? अच्छा, चलो थैंक यू उमर, हमारी कायनात का। तो ये जो नोवा है, हमने पिछली दफ़ा बात की थी यू जेमिनोरम की या यू जेम की, जो कि एक बाइनरी सिस्टम था। तो ये जो नोवा होते हैं वो भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम में आते हैं। ये जो सेजिटेरियस में हुआ है, पहली बात तो ये कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हुआ है। इसका पहले पता नहीं था कि ये वहाँ पर इस किस्म का सिस्टम मौजूद है। तो ये जो हम देख रहे हैं वो बाइनरी स्टार सिस्टम है, जिसमें एक स्टार जो है वो वाइट ड्वार्फ है। और दोबारा से अगेन, वाइट ड्वार्फ वो स्टार है जो एक तरह से सूरज की तरह का, आई मीन सूरज के फ्यूचर में आज से 4-4.5 बिलियन साल के बाद जो है हमारा जो सूरज है उसकी आउटर लेयर्स जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी, रेड जायंट बनेगा और वो उतर जाएंगे। पर उसके बीच में जो उसका कोर है, इसमें आजकल जो है हाइड्रोजन फ्यूजन हो रही है, हाइड्रोजन से हीलियम में, और बाद में फिर होगी हीलियम से कार्बन में फ्यूजन। आखिर में उसका कोर बच जाएगा और वो कोर का साइज तकरीबन हमारे जमीन के साइज की तरह का होगा। अच्छा। और वो बड़ा डेंस होगा, उसकी डेंसिटी जो होगी वो होगी तकरीबन एक एटम की तरह। ठीक है, तो आप जो है समझेंगे, बड़े स्टार को आप एक कंप्रेस करते हैं जमीन के साइज के, उसको हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, या जिस तरह पहले बात हुई सफेद बोना। तो वो एक, अगर नॉर्मली जिस तरह हमारा सूरज है जो कि बाइनरी स्टार नहीं है, जो हमारी कायनात में एस्टिमेट ये है कि तकरीबन आधे स्टार्स जो हैं वो कम से कम बाइनरी स्टार्स हैं। अच्छा, आधे। तो हम लोग जिस स्टार्स के साथ रहते हैं वो बाइनरी स्टार नहीं है। तो आखिर में एक बचेगा व्हाइट ड्वार्फ, और वो एक तरह से उसको आप कह सकते हैं कि इट्स अ डेड स्टार। ठीक है, अब सूरज, आई मीन सितारे जो हैं वो जिंदा या मुर्दा नहीं होते, लेकिन हम जबान इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि वो एक डेड स्टार है। ठीक है, जिंदा स्टार और डेड स्टार में फ़र्क क्या है एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से? जिंदा स्टार में जो है हाइड्रोजन फ्यूजन हो रही है, उसके अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बन रही है जिसने हमारे सूरज के अंदर जी। और कुछ ऐसे के बाद हीलियम को फ्यूज करेंगे वो कार्बन में वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर फ्यूजन उसके अंदर नहीं हो रही, जिस तरह व्हाइट ड्वार्फ बनता है जो कि एक बड़ा डेंस स्टार है, तो उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, वो खाली बड़ा गर्म है। तो वो एक अलग बात है, हम ये बात करेंगे कि व्हाइट ड्वार्फ जो है शुरू में बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म। हमें हमारे सूरज की जो इस वक्त सर्फेस टेम्परेचर है वो तकरीबन है 5,000-6,000 डिग्री। जो व्हाइट ड्वार्फ शुरू होता है तो उसका टेम्परेचर, क्योंकि वो कोर था ना सितारे के बीच में, तो उसका टेम्परेचर होगा 125,000-130,000 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे सर की, सन की जो सरफेस है वो है 5,000-6,000 डिग्री। तो आप बात करें 125,000-150,000 डिग्री, तो बड़ा गर्म होता, मगर वो और कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है और वो जो उसकी गर्मी है या उसकी एनर्जी जो है वो आसमान पर लीक हो रही है। ठीक है, लीक हो रही है, तो वो ठंडा होता जाता है और कुछ और उसमें कुछ नहीं होगा, वो एक तरह से मुर्दा स्टार है या स्टेलर ग्रेवयार्ड है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वो बस आपका वो कोर बचा हुआ, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर व्हाइट ड्वार्फ एक बाइनरी स्टार का हिस्सा है तो उसमें और एक्टिविटीज हो सकते हैं। तो जिस तरह भी ये नोवा जो सेजिटेरियस में हुआ उसको कहते हैं क्लासिकल नोवा। तो हो उसमें ये रहा है कि ये एक आपका व्हाइट ड्वार्फ है, मगर उसके गिर्द जो है वो एक सूरज जैसा सितारा ऑर्बिट कर रहा है।
ये जो वाइट ड्वार्फ था एक वक्त पर ये सूरज जैसा सितारा था, मगर उसकी फ्यूजन खत्म हुई और वाइट ड्वार्फ बन गया। अच्छा। मगर जो दूसरा सितारा है उसके गिर्द, वो गालिबन शुरू में, नहीं गालिबन नहीं बल्कि मैं काफी यकीन है, वो शुरू में इस सितारे से छोटा था मास। छोटे सितारे जो हैं वो ज्यादा अरसा जिंदा रहते हैं, ठीक है। बड़े सितारे जल्दी से अपना जो भी हाइड्रोजन है या हीलियम है वो जल्दी से अपना फ्यूल स्पेंड करते हैं। तो ये एक जनरल रूल है कि बड़े सितारे कम जिंदा रहते हैं, छोटे सितारे ज्यादा जिंदा रहते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि वाइट ड्वार्फ एक जिंदा सितारे के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, इसका मतलब है कि वाइट ड्वार्फ जो था वो बड़ा था, तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, मगर उसके गिर्द जो सितारा ऑर्बिट कर रहा है वो अभी भी जिंदा है। यानी कि इसका मतलब ये कि उसके अंदर अभी भी उसके कोर में फ्यूजन हो रही है हाइड्रोजन से हीलियम इस पर्टिकुलर केस। अच्छा, अब तो ये नोवा क्यों हुआ? ये जो दो सितारे हैं वो चैन से एक दूसरे के ऑर्बिट कर सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि ये जो वाइट ड्वार्फ है उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और ये जो दूसरा सितारा है वो काफी करीब है, तो उसकी जो गैसेस हैं ये जो जिंदा सितारे की, वो वाइट ड्वार्फ के ऊपर आ रही हैं। ये हमने बात की थी पिछली दफा जी। वो एक तरह से धोती की कि वो एक तरह से जो मिसाल नजर आती है कि ये कि उसको जो ये जो वाइट ड्वार्फ है ये उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ये जो जिंदा सितारा है या उसकी जो टेक्निकल टर्म है एक्चुअली वो इस पर्टिकुलर केस में वो मेन सीक्वेंस स्टार्स कहते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार्स एक बाद में हम बात करेंगे कि क्यों मेन सीक्वेंस कहते हैं, मगर उसका खाली इसका मतलब ये है मेन सीक्वेंस स्टार्स का कि इनके कोर में हाइड्रोजन से हीलियम फ्यूज हो रही है, ये उनकी एनर्जी का जरिया है। हमारा सूरज जो है वो मेन सीक्वेंस स्टार है क्योंकि उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन से हीलियम में फ्यूज हो रही है और वो उसकी एनर्जी का हिस्सा। तो ये जो वाइट ड्वार्फ है वो इस जिंदा सितारा या मेन सीक्वेंस स्टार उसकी गैसेस खींचता है, ठीक है। वो गैसेस क्यों खींचता है? वो खाली वो एक तरह से क्योंकि उससे ज्यादा करीब है और गैसेस जो है वो आसानी से खींच सकती हैं। अगर आप मेन सीक्वेंस स्टार के कोर की बात करते हैं, कोर तो बड़ा डेंस है, उसको खींचना बहुत मुश्किल है, उसका मटेरियल खींचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो गैसेस होती हैं उसको आप खींच सकते हैं। तो ये असल में चीज हो रही है कि ये जो मेन वाइट ड्वार्फ है उसके ऊपर ये गैसेस आ रही हैं, और एक तरह से मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि और वो आती हैं एक तरह से एक्रीशन डिस्क। लेकिन इस सिलसिले में ये जो नोवा है इसमें बड़ी बात ये नहीं कि वो एक्रीशन डिस्क है या नहीं है, बल्कि मेन चीज ये है कि वो जो मटेरियल है वो आके डिपॉजिट हो रहा है वाइट ड्वार्फ की सरफेस के ऊपर, ठीक है, ठीक है। और ये जो सितारे की गैसेस हैं वो हाइड्रोजन है, मोस्टली हाइड्रोजन और थोड़ी बहुत हीलियम, मगर मोस्टली वो जो है वो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है वाइट ड्वार्फ की सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब आप मटेरियल एक बहुत ही गर्म सितारे के, वाइट ड्वार्फ जो है उसका टेम्परेचर जो है सरफेस पे वो 120-130,000 डिग्री है, ये आप गैसेस डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ अर्से के बाद, और ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का नोवा है। इसमें लगता यह है कि जिस किस्म का जो क्लासिकल नोवा है ये बहुत ही रिलेटिवली ये कम होते हैं। अच्छा। ख्याल ये है कि ये खाली एक दफा आपको नजर आएगा इतना ब्राइट होता हुआ, ठीक है। होता ये है कि वो जो मटीरियल है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है और वो उसकी सर्फेस के ऊपर टेम्परेचर और बढ़ा रहा है, क्योंकि मटीरियल जब डिपॉजिट होता है तो वो एनर्जी लेके आता है एक ग्रेविटी से, मटेरियल आता जा रहा है। तो एक वक्त पे जो थोड़े से गैसेस का जहाँ पर हिस्सा है नीचे की तरफ वाइट ड्वार्फ पे, उनका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 10 मिलियन डिग्री के करीब पहुंच जाता है। अच्छा, ओके। नाउ इसमें काफी बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि इतना मटेरियल डिपॉजिट हो कि इस मटीरियल के नीचे इतनी गर्मी हो, इतना प्रेशर हो कि मटीरियल जो है टेम्परेचर जो है वो तकरीबन कुछ मिलियन डिग्री या 10 मिलियन डिग्री तक। इस टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती है, सही, ठीक है। तो आपने जो है ये मटेरियल डिपॉजिट किया, उसका उसके जो है एनर्जी से उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो उसकी जो लेयर्स हैं, जो हाइड्रोजन की लेयर्स या हीलियम की लेयर्स जो दूसरे सितारे से आई थी वाइट ड्वार्फ के ऊपर डिपॉजिट, लेकिन उसकी लेयर्स की डिपॉजिट होने में इतना टेम्परेचर हो गया
कि आपकी वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो एक वक्त में जो मुर्दा सितारा था वो फिर से जिंदा हो गया एक तरह से, जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर दोबारा से, लेकिन कोर में नहीं है, कोर में सरफेस के ऊपर है, ठीक है, और वहां पे अचानक से टेम्परेचर बढ़ा और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। अच्छा, इस केस में होता यह है कि नोवा के उसमें के अचानक से टेम्परेचर बढ़ा तो उससे और चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, खाली हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम नहीं बल्कि हीलियम से आगे लिथियम भी फ्यूज हो जाती है। तो जैसे फ्यूजन होती है तो इतना इतना से हाइड्रोजन बॉम्ब है, अचानक से वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जब वो एनर्जी रिलीज हुई तो वो जितनी गैसेस उसके ऊपर डिपॉजिट हुई थी वो सारी की सारी एक धमाके के साथ रिलीज हो जाती, और वो धमाका जो है और वो जो गैसेस रिलीज हुई उसकी वजह से वो वाइट ड्वार्फ जो पहले आपको नजर भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो इतना छोटा होता है, अचानक से बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। उसकी जो ब्राइटनेस है वो तकरीबन 10,000 टाइम्स वो बढ़ सकती है या 1,00,000 टाइम जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अचानक से फिर वो आपको नजर आए। नोवा का जो मतलब है वो एक गेस्ट सितारा है, वो जो ग्रीक उसमें आता है कि गेस्ट, क्योंकि वो पहले आई मीन उनके हिसाब से जब नेकेड आई लोग देखते थे तो अचानक से कोई चीज नजर आई, जिसमें सैजिटेरियस में भी हुआ, इस सैजिटेरियस में वो सितारा मौजूद ही नहीं था, अचानक से नजर आना शुरू हो गया, तो उसको नोवा कहते हैं, मेहमान सितारा, मेहमान सितारा। तो ये जो है इस किस्म के नोवा के प्रोसेस है। कुछ नोवा जो होते हैं वो रिकरेंट नोवा होते हैं, वो कम ब्राइट होते हैं, लेकिन उसमें ये कि मटेरियल डिपॉजिट होता है, उसमें फ्यूजन नहीं मगर और प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से वो फिर दोबारा से आपको ब्राइट हुआ, मटेरियल डिपॉजिट हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद ब्राइट हुआ फिर। ये जो क्लासिकल नोवा है, ये जो नोवा सजिटेरियस है, इसमें जो क्लासिकल नोवा है ये एक तरह से हमारे ह्यूमंस के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से ये एक ही दफा होता है। अच्छा, लेकिन ख्याल ये है कि एक्चुअली ये रिकरेंट नोवा है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन 50,000 साल या 1,00,000 साल। उसमें इतना क्योंकि इसमें ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट होता है, इसका बड़ा एक्सप्लोजन है, इसमें वो जो एक्चुअल में फ्यूजन होती है उसको थर्मोन्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं, मगर उसमें टाइम इतना लगता है कि 30,000 से 50,000 साल या 1,00,000 साल। तो हमारे लिहाज से तो वो एक वन ऑफ इवेंट है, लेकिन लोग कहते हैं कि एक्चुअली इसमें इन सम सेंस कोई ज़्यादा फर्क नहीं है रिकरेंट नोवा में, खाली ये कि स्केल जो इसमें है, जो इसका एक्सप्लोजन है, जो इसका मटेरियल बाहर जाएगा वो बड़ा है। अच्छा अच्छा, ये और, जी आप नहीं और ये चीज़ जो है ये आखिर में ये सिस्टम इंटैक्ट है, ठीक है, वो जो है सिस्टम तभी वो रिकरेंट भी होगा, वो सिस्टम इंपैक्ट होगा। इसका जो डिफरेंस है वो एक बड़ा एक्सप्लोजन सुपरनोवा, बड़ा मेहमान। तो वो एक किस्म के जो सुपरनोवा होते हैं वो इसी तरह से, मगर इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें ये होता है कि पूरा का पूरा जो व्हाइट ड्वार्फ है, इनफैक्ट इसमें जो एक्सप्लोजन हो रहा है फाइनली थर्मोनिक्लियर रिएक्शन जो फ्यूजन हो रही है वो व्हाइट ड्वार्फ के सरफेस के ऊपर हो रही है। थोड़ा सा मटेरियल नीचे जा रहा है आपको, थोड़ा सा व्हाइट ड्वार्फ का मटेरियल, तो जो मटेरियल इजेक्ट होता है बाय द वे वो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन देता है कुछ तो किस किस्म की गैसेज उसके ऊपर डिपॉजिट हुई थी, इनके वो जो मटेरियल इजेक्ट हुआ बहुत सारा मटेरियल जो है वो दूसरे सितारे का था, और वो व्हाइट ड्वार्फ की थोड़ी सी इंटरनल लेयर्स की भी इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ तो खाली दूसरे सितारे की गैसेज नहीं बल्कि कुछ व्हाइट डॉट मटेरियल भी स्पेस में जाता है। तो जब लोग उसको स्टडी करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि उसमें किस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें किस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, वो जो गैसेज जो एक्सप्लोड हुई क्योंकि वो अचानक से बहुत ब्राइट हुई, वो फिर हमें चीज़ें बताता है कि व्हाइट डॉट का मटेरियल किस किस्म का है। अच्छा, किस किस्म का सितारे का मटेरियल किस किस्म का है। लेकिन जब सुपरनोवा होता है इस किस्म के वाइट ड्वार्फ और नॉर्मल सितारे जिंदा सितारे के दरमियान में, तो वो भी हो सकता है कि सुपरनोवा वो हम कभी और बात करेंगे, उसमें जो एक्सप्लोजन होता है वो वाइट ड्वार्फ के पूरे अंदर होता है, और वो पूरा का पूरा वाइट ड्वार्फ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है, वो तकरीबन पूरी आपका एक एक्सप्लोजन जो है वो आपके अरबों सितारों जितनी ब्राइटनेस होती है, तो पूरी गैलेक्सी को वो एक्चुअली आउटशाइन कर देता है। अच्छा, लेकिन उसमें कुछ बचता नहीं है बाद में, पूरा सिस्टम जो है वाइट ड्वार्फ जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें ये रिकरेंट है। अच्छा, तो ये बताइए डॉक्टर साहब,
जब हम नोवा की बात करते हैं, ऐसे स्टार सिस्टम की बात करते हैं, तो बड़ा कॉमनली न्यूज़ में भी आता है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा होता है कि वो एक ख़ास लिमिट है 1.4 सोलर मैसेस, तो उसकी थोड़ी सी तफसील बताइए। तो ये जो 1.4 सोलर मैसेस लिमिट है वो कहलाती है चंद्रशेखर लिमिट। ये एक इंडियन अमेरिकन मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ चंद्रशेखर के बारे में, ये है कि उनकी पैदाइश लाहौर में हुई थी। चंद्रशेखर तो वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, आई थिंक नोबेल प्राइज 83 मिला था। तो आई मीन जब हम बात करते हैं कि सितारे किस तरह से काम करते हैं, तो चंद्रशेखर का नाम जो है वो काफ़ी ऊपर आता है इस किस्म के चीज़ों में। और वो 20th सेंचुरी के शुरू में यानी कि या बीच में उस वक्त ज़्यादातर काम था। और उन्होंने ये कहा कि वाइट ड्वार्फ जो है, ये जो मैं एटम की तरह के डेंसिटी के सितारे की बात कर रहे हैं, उन्होंने जब सितारों की स्ट्रक्चर की बात की तो कितना प्रेशर एक सितारा जो है वो ले सकता है, खासतौर से जो कोर बचता है। अच्छा। उसकी उन्होंने वो कैलकुलेट कर रहे थे। और एस्ट्रोनॉमर्स को एक्चुअली स्टार्स के स्ट्रक्चर्स इंटीरियर वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह पता है। तो बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में बात करते हैं कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, पता नहीं क्या है, जेट्स किस तरह से बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम सितारों के इंटीरियर्स की बात करते हैं कि जिस तरह हमारे सूरज का इंटीरियर है या जिस तरह वाइट ड्वार्फ्स के हम इंटीरियर की बात करते हैं, तो वो एक्चुअली हमें काफ़ी प्रिसाइसली चीज़ें मालूम है। बहुत सारी चीज़ें हमेशा देर आर अननोन्स, तभी लोग जो हैं वो PhD जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत हम डिटेल्स में बात कर रहे हैं। और ये जो स्टेलर स्ट्रक्चर्स हैं उसकी फिजिक्स जो है वो काफ़ी डिवेलप्ड है। अच्छा। तो उसमें काफ़ी हद तक वो चंद्रशेखर का कभी है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई कि वाइट ड्वार्फ उसका जो जिस वजह से वाइट ड्वार्फ एक कोर है उसमें कुछ हो नहीं रहा, उसकी वजह ये है कि उसकी जो डेंसिटी है वो एटम जितनी डेंसिटी है, मगर उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटम की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके सिंपलेस्ट आप देखें तो आपके पास प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है और उसके गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो वाइट ड्वार्फ कोलैप्स इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को एक तरह से टच कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको आगे पुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरह से आपका वो एटम की डेंसिटी है और एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं, तो ये कहलाता है, टेक्निकल टर्म है, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, ठीक है। ये जो है डीजेनरेट मटेरियल है, इसके आगे वो नहीं जा रहा। अच्छा, सूरज जो है, हमारा सूरज कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने देखना है तो वो इसलिए कोलैप्स नहीं कर रहा। पूरे सितारों की जिंदगी जो कहानी है वो सिर्फ ये कहानी है कि ग्रेविटी जो है वो कोलैप्स करना चाह रही है सितारे को, और कोई चीज़ है जो उसके कोलैप्स को रोक रही है। ग्रेविटी एक तरह से वो अल्टीमेट है, वो उसकी पूरी कोशिश है कि वो सितारे को कोलैप्स करे। तो हमारे सूरज इसलिए कोलैप्स नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन से एक तरह से जो उसकी एनर्जी है उसने ग्रेविटी की एनर्जी को बैलेंस किया हुआ। तो अंदर से हीट या रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर कहलाता है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी जो है उसको अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, और वो एक स्टेबल स्टेज में है, जो कुछ जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन उसके अंदर हो रही है वो स्टेबल फेज में रहेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो गई तो वो कोलैप्स हुआ, इस वजह से वो वाइट ड्वार्फ बना। तो सवाल यह है कि वो जो कोलैप्स है सितारे का वो रुका किस चीज़ से? तो वो कोलैप्स होता गया मगर अब उनकी डेंसिटी जो है मटेरियल की वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो ग्रेविटी जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं कर सकी ज़्यादा, ठीक है, वो वाइट ड्वार्फ। अच्छा, सवाल ये था कि अगर आप उसके ऊपर मटीरियल ऐड करें या वाइट ड्वार्फ कितना वो ग्रेविटी को रोक सकते? तो चंद्रशेखर की जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि एक लिमिट है वाइट ड्वार्फ की, और वो है 1.4 सोलर मासेस, कि हमारे सूरज से 1.4 टाइम्स अगर हमारे सूरज से ज़्यादा है वाइट ड्वार्फ मास, वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर है, इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेसी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। और ये
थियोरेटिकल प्रिडिक्शन थी, ये आती है प्योर थियोरेटिकल फिजिक्स से, कैलकुलेशन से. क्योंकि सिंपली अगर आप उसकी इक्वेशंस देखें, किस तरह से सितारे काम करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, किस तरह से ग्रेविटी काम करती है, ये एक सॉलिड एलिमेंट है. अगर वाइट ड्वार्फ अपना उसका जो मास है वो 1.4 से ज़्यादा हुआ तो वो कोलैप्स हो जाएगा या एक्सप्लोड. अच्छा, और एग्जैक्टली ये चीज़ होती है. और एस्ट्रोनॉमर्स ने जब वाइट ड्वार्फ तलाश किए हैं तो लोग तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं कि 1.4 से ज़्यादा, क्योंकि साइंस इसी तरह से काम करती है कि अगर किसी ने कहा कि ये लिमिट है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अच्छा वाकई मैं तलाश करता हूँ कि इस लिमिट से कोई और ज़्यादा आगे कोई चीज़ है या नहीं है. क्योंकि आप जो है वो एक तरह से उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर आपने तलाश कर लिया तो दैट विल बी अ बिग न्यूज़, राइट? तो कोई सितारा, कोई वाइट ड्वार्फ आज तक ऐसा नहीं मिला जो 1.4 से ज़्यादा है. और जो सुपरनोवा की जब मैंने बात की थी कि पूरा का पूरा वाइट ड्वार्फ एक्सप्लोड होता है, तो उसमें आइडिया यही है कि जब दूसरे सितारे का मटेरियल उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो एक वक्त पर वो इस चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस करता है. जब वो क्रॉस करता है तो ख्याल ये है कि उसका मटीरियल कोलैप्स होता है और अंदर जाकर पूरे रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर और वो पूरा का पूरा स्टार्ट होगा, एक्सप्लोर करता है. एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्लोजन्स इन द यूनिवर्स. और इसकी हम कभी और बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इसकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि वाइट ड्वार्फ अगर 1.4 से ज़्यादा हो और वो किस तरह से कोलैप्स होगा और उसका एक्सप्लोजन किस तरह से होगा, तो वो जो टाइप 1 सुपरनोवा है, टाइप 1A सुपरनोवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उनकी ब्राइटनेस काफ़ी हद तक खाली एक ही तरह से वो ब्राइट होते हैं. और वो उनको फिर एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए. अच्छा, क्योंकि उनकी ब्राइटनेस एक ही जिस तरह एक ही जितनी है, अगर वो बहुत फेंट है इसका मतलब है कि वो बहुत दूर है, दूर. अगर वो ब्राइट है इसका मतलब है कि वो करीब है. तो टाइप 1 सुपरनोवा, टाइप 1A सुपरनोवा जो है, इनका पर्टिकुलर नाम जो है टाइप 1A, वो एक्चुअली डिस्टेंस इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस इंडिकेटर है. इनफैक्ट जब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन की, डार्क एनर्जी की, किस तरह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह, वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमें टाइप 1A सुपरनोवा उनसे डिस्टेंस मालूम करके पता चला. अच्छा, तो बहुत क्रूशियल है इस किस्म के टाइप 1A स्टार्स. जी, तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने टाइम निकाला हमारी कायनात की इस एपिसोड के लिए. पकड़ना है कोई तकरीबन, एयरपोर्ट के लिए मुझे निकलना है 10 मिनट में. बस ठीक है, आप निकलिएगा. तो मैं नाज़रीन आप सबसे ये ज़रूर कहूँगा कि एमेच्योर टेलीस्कोप से, छोटी टेलीस्कोप से भी आप सेगिटेरियस की तरफ, स्टार चार्ट्स इंटरनेट पर हर जगह मौजूद हैं, आप ज़रूर देखें नोवा को. और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसने अब इतनी देर बाद होना है कि हमारे लाइफ टाइम में इस को आप दोबारा नहीं देख सकते, तो इसको ज़रूर देखिए. और इसकी तस्वीरें आप उतार सकते हैं, आम DSLR कैमरों से आप इसकी तस्वीरें उतार सकते हैं सेगिटेरियस की तरफ रुख करके. जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं खाली ये कहूँगा कि तो जब आप देखें इस सितारे को, आपको खाली नज़र तो एक सितारा आ रहा है, मगर आपको इमेजिन ये करना है कि ये एक वाइट ड्वार्फ, आई मीन आपको स्पेस में इमेजिन करना है कि ये एक वाइट ड्वार्फ है, उसके गिर्द एक मेन सीक्वेंस स्टार या जिंदा सितारा जो है वो इसी के ऑर्बिट कर रहा है. और जब आप देख रहे हैं उसको, तो ये वो मटेरियल जो उसकी सरफेस के ऊपर, वाइट ड्वार्फ की सरफेस के ऊपर से इजेक्ट हुआ. Yes, तो आप पूरा का पूरा सिस्टम, तो अगर आप टेलीस्कोप से देखें या बिनोक्युलर से देखें, या अब तो खैर वो नेकेड आई नहीं रहा, लेकिन जब आप उसको देख रहे हैं तो आपको इमेजिन ये करना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है. और फिर आप उसमें अपनी और इमेजिनेशन आप लगा सकेंगे, क्या वहाँ पे कोई प्लैनेट्स मौजूद थे या नहीं थे, या प्लैनेट्स मौजूद थे तो उनमें लाइफ होगी, उनको क्या होगा, ये वो आपकी सारी इमेजिनेशन है. लेकिन लेकिन जो हो रहा है, जिस वजह से वो ब्राइट है, वो उसकी वजह वो है कि वो मटेरियल जो है वो इस वाइट ड्वार्फ के ऊपर आया. तो आपको ये इमेजिन करना है, और आई थिंक जी उसकी वजह से जो उसकी एनरिच होती है. जी बिल्कुल, क्या है वो, बिल्कुल ऐसा ही है. और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप जो जैसे कुछ शहरों में जहाँ एस्ट्रोनॉमी के सोसाइटीज़ बनी हुई हैं पाकिस्तान में, वो तकरीबन 6 शहर हैं, लाहौर, कराची, पिशावर, गिलगित, इस्लामाबाद, इस तरह के शहर, तो आप वहाँ पे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी की सोसाइटी से रابطہ करें, उनके पास टेलीस्कोप्स हैं, वो आपको ये ज़्यादा वाज़े तौर पे दिखा सकती हैं.
तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इसको देख लेना। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान आपका, और अब आपने निकलना है एयरपोर्ट की तरफ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।